मैं बाणगंगा का पुजारी नारायण दास दिगंबर अखाड़े से मुझे मंडलेश्वर की उपाधि से नियुक्त किया गया है समाज ने। अभी मैं पौरी क्षेत्र में जो गहुअरण क्षेत्र है अति प्राचीन वहाँ पर मचा गांव है, वहाँ दो दो मंजिल के मंदिर बने हैं। ठाकुर जी का मंदिर है, सभी लोगों के लिए वो श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन उससे सटा हुआ पुराने खेरे में एक मढ़ वाले हनुमान जी जो चार खंडों में पड़े हैं, लेकिन जब कोई विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो दो दो मंजिल के मंदिरों की ऊर्जा काम नहीं करती है और सभी लोग जाके मढ़ वाले हनुमान जी पर शरण में जाके प्रार्थना करते हैं तो उनके काम वहाँ सफल होते हैं। जब दो दो मंजिल तो उस भूमि में कितने विचित्र परमाणु हैं लोगों को शांति देने वाले, संकट से मुक्त करने वाले। उससे लगा हुआ एक किलोमीटर दूरी पर समरसपुर गांव का खेरे वाले हनुमान जी, वो भी अति प्राचीन है। वहाँ भी देखा हमने एक अनायास आई कोई महात्मा आ गया भ्रमण करते हुए, हम जा रहे थे उज्जैन कुंभ को, उसने वहाँ यज्ञ का झंडा गाड़ दिया। गांव वाले मेरे पास आए, महाराज ऐसे यज्ञ कैसे हुआ? मैंने यज्ञ हो जाएगा, महात्मा आया है उसकी इच्छा की पूर्ति करो। सामान हमने उसके लिए दे दिया पूजा पाठ का, और यज्ञ हो गया। यज्ञ करके वो महात्मा चला गया। ग्राम वालों की इच्छा हुई, महाराज जी तो बहुत ऐसा क्षेत्र है कि कुछ क्षण में ही सारे काम बन गए, ये हनुमान जी का मंदिर विकसित हो जाए तो अच्छा है। तो हम यहाँ मंगल जी के पास आए थे, वास्तु साधु से मंदिर बनने जा रहा है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको भगवान सद्धि बुद्धि प्रदान करता रहे और क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ते रहे। जय श्री राम।